हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रतिभा से रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रेप्स कस्टर्ड आइसक्रीम लाई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप एक बार खा लेंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। सबसे पहले फुल क्रीम मिल्क दूध ले लेंगे। जितना आपको दूध लेना है उतना ले लें और इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लें। तो मिल्क हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हाफ कप के करीब आप दूध ले लें। अब ये कस्टर्ड पाउडर है, फोर स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और इसमें ठंडे दूध डाल के घोल बना लेंगे बिन लम्स के। कोई गाढ़ नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से घोल बना के बॉयल मिल्क में डाल देंगे। मिल्क में डाल के 5-6 मिनट स्लो आंच पे चला चला के पकाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे चिपके ना। अब शुगर डाल देंगे। आप जितना मीठा खाते हैं उतना शुगर डालें। बीच बीच में चला के पकाते रहेंगे करीब 10 मिनट तक स्लो आंच पे। तो करीब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरीके से। देखिए बैटर एकदम थिक हो चुका है। अब ये फ्रेश मलाई है दूध की, इसे मिला देंगे। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो इससे बहुत ही गाढ़ा बनेगा। तो दूध की मलाई मैंने 4 स्पून के करीब मिला दिया है। अब ये मिल्क पाउडर है, इसे भी 2 स्पून मिला देंगे।
और गाइस ऊपर सिल्वर फॉइल लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। सिल्वर फॉइल लगाने से ऊपर बर्फ़ की परत नहीं जमती है, तो सिल्वर फॉइल को अच्छी तरीके से लगा के ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे। और ढक्कन ना हो तो आप ऐसे सिंपली कोई भी प्लेट लेके ऊपर लगा सकते हैं। ओवरनाइट छोड़ दें या 3 या 4 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ दें। Thank you.